अदालतों पर बोझ न डालें। लाहौर हाई कोर्ट ने एहतजाज से अवामी इमलाक से नुकसान से मुतल्लिक दरख्वास्त नाकाबले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। इसी पर बात कर लेते हैं, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, इस समाअत से मुतल्लिक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आतिर महमूद ने महफूज फैसला सुनाते हुए दायर दरख्वास्त नाकाबले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी है। जस्टिस आतिर महमूद ने ये रिमार्क दिए हैं कि आप अदालतों पर बोझ मत डालें, इदारों को भी काम करने दें, इदारे इन्हीं कामों के लिए बने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हर छोटा छोटा मसला आप अदालत में लेकर आ जाएं। जस्टिस आतिर महमूद के रूबरू अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। ये मौकफ इख्तियार किया गया था कि जो लबैक पाकिस्तान की जानिब से इस्तेजाज किया गया था, इस दौरान शहरियों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियां जला दी गई, मोटरसाइकिलें जला दी गई, तो उसके अजाले के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अदालत हुकूमत को शहरियों की दरख्वास्तों पर अजाला करने का हुक्म जारी करे। अदालत ने इस दरख्वास्त के काबिले समाअत होने पर फैसला महफूज किया था, जो अब सुना दिया गया है। अदालत ने दायर दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार अब्दुल्ला मलिक ने इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का ऐलान किया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।